मेरे अंदर जो शक्तियां हैं उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है, उस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है, और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन जिस प्रकार हम लोग मेन से लगा देते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति हमें उस मेन से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को जानते हैं। ये बाहर का समय और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। When the Kundalini rises, you actually can see the movement of Kundalini. There have been many people who have been talking of Kundalini awakening. Actually, none of them who say so have shown the rising of the Kundalini. The reason being, the Kundalini never rose. The Kundalini only rises when there is somebody who is already enlightened and who knows the job of rising the Kundalini. सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य क्या है और उसे किस प्रकार खोजा जाएगा, इस पर अनेक विचारधाराएं चल पड़ती है। सत्य तो केवल एक है और वो है कि आप ये शरीर मन अहंकार आदि व्याधियां नहीं, किंतु आप आत्मा स्वरूप हैं। जिस दिन आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, न कि आप पढ़ के लिख के वाद विवाद करके और कहे कि हम आत्मा स्वरूप हो गए, लेकिन वास्तविक में ये घटना आपके अंदर घटित हो और जिसके कारण आप स्वयं आत्मा स्वरूप हो जाएं, तब आप जान सकते हैं कि केवल सत्य क्या है। आजकल दुनिया में हम सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से, लेकिन ये केवल सत्य नहीं हुआ। क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं? सो बात नहीं, कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी जाना वो केवल सत्य नहीं है। अगर मनुष्य का सोचना एक ही तरह का हो तब तो ना वो कहेगा ये केवल सत्य है। जिस वक्त मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में अलग अलग खड़ा हुआ है तो वो अपने अहंकार से भी और अपने पड़े हुए संस्कारों से इतना अभिभूत हो जाता है कि वो जो कुछ भी सोचता है उसी दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देगा,
इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कैसे बतलाऊं सब जगह अंधा। इसका मतलब यह है कि अभी तक इस मानव चेतना में हमने इस दशा में वो सूक्ष्म दृष्टि पाई नहीं जो कबीर दास जी ने पाई थी, जो नानक जी ने पाई थी, जो राम ने पाई थी, जो श्री कृष्ण ने पाई थी, जो संत साधुओं ने अपने देश में, अनेक संत साधु हो गए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां भी जाओ वहां अनेक सदगुरु हो गए। आजकल के जमाने में तो सदगुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अधिकतर तो जिन्हें कहा जाता है अगुरु या कुगुरु ही होते हैं, और सिवाय पैसा कमाने के वो कुछ नहीं जानते। किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसा कमाना है, एक सीधा सवाल अपने को करना चाहिए कि जिसको हमें पैसा देना पड़ता है वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, वो तो हमारा नौकर होगा। क्योंकि अगर परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और उनकी उस शक्ति के कारण आज हम इंसान बन गए, तो उस जीवंत शक्ति को आप किस तरह से कुछ रुपया पैसा दे सकते। आप सोचिए कि एक बीज अगर आप इस माँ के उदर में डाल दें तो वो अपने आप ही जागृत हो जाता है और उसमें अंकुर आ जाता है। क्या आप इस माँ को कुछ रुपया पैसा देते हैं कि उस बीज को कुछ व्यायाम करने को कहते हैं? ये तो जीवंत क्रिया है और जीवंत शक्ति की ये जीवंत क्रिया है। अगर आप इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बीज से अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार आप में से भी ये शक्ति जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है सहज में जागृत होती है। सहज मतलब सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुई। ये शक्ति सहज आपके साथ पैदा हुई है, आपके अंदर स्थित है और इसके साथ आपको योग प्राप्त होता है, माने आप उस परम चैतन्य से जो निराकार में सारे संसार में फैला हुआ, जो अणुरेणु में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, वास्तव्य रखता है, उससे आप एकाकार हो जाते हैं। और यह घटित होता है सहज में और ये हर एक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, हर मानव इसको प्राप्त कर सकता है। अब सब जितने संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े हमने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, सब में लिखा हुआ है कि अपने अंदर जो परमात्मा का रूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाने बगैर भ्रम नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि गर्मा परमात्मा एक ही चीज है और एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, तब फिर ये आपस में हम लोगों में प्रेम क्यों नहीं होता? अभी तक जाना नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। मनुष्य की चेतना में अभी ये बात आई नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। अगर ये हाथ में दर्द होता है तो दूसरा हाथ उसको सहलाता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं इस पे उपकार कर रहा हूं, और बगैर सहलाए चैन
तो फिर सारा शरीर दुखने लग गया, एक हाथ के दुखने से सारा शरीर दुखने लग गया। अगर आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग सब लोग हैं तो फिर हम लोग अलग अलग कैसे, क्योंकि हम भूल गए एक बड़ी भारी बात जो हर पौर्वात्य के देशों में, ओरिएंट में, पौर्वात्य के देशों में आपको सोचना चाहिए कि जहां हम लोग बसे हुए हैं यही सोचा जाता है, खासकर भारतवर्ष में, कि संसार में जो भी चीज है ये विनाशी, क्षणभंगुर और अविनाशी जो है उसे प्राप्त करना है। लेकिन अब जो लोग साहब हो गए, अंग्रेजियत आ गई, वो शायद इसको बिल्कुल भूल गए, पर अब भी हम जानते हैं कि हमें अविनाशी चीज को प्राप्त करना है। हर चीज विनाशी है और इस चीज के पीछे में हमें वहीं तक जाना चाहिए जहां तक इसकी मर्यादाएं हैं, उससे परे नहीं। ये हम सब जानते हैं, हम भारतीयवासी विशेषकर इस बात को जानते हैं। जब हम इस सत्य को एक जानते हैं और जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होना ही हरेक धर्म का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोगों ने तो देव देवताओं की बात नहीं करी, किसी ने तो परमात्मा की बात नहीं करी, ईश्वर की भी बात नहीं की जैसे बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक इनका आत्मा साक्षात्कार नहीं होता तब तक कोई भी बात करिए तो बात ही रह जाएगी और इनमें कुछ समझ नहीं आएगी। तो बेहतर है पहले सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही करो, जो असली चीज है उसी को प्राप्त करो, सिर्फ तुम आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त करो, ऐसे बात कहते रहे। तो ये लोग झूठ तो बोलते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनमें और हमें बड़ा भारी एक अंतर था, वो कभी कोई गलत काम नहीं करते, कभी भी जो हर काम करते थे वो शुभ होता था और समाज के हित के लिए ही करते। सो इनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि ये हम लोग को जैसे गलत काम नहीं करते थे? वो शक्ति थी आत्मा का प्रकाश। जब हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में हम देखते हैं उस सत्य को जो केवल सत्य है। पर ये प्रकाश जो आता है वो हमारे नस नस में बहना चाहिए। इस तरह हम जानते हैं कि इसको छूने से ये ठंडा लग रहा है और अगर उसे छूले तो गर्म लगेगा, उसी प्रकार हमारे उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे पता होना चाहिए उसका बोध, उसका विद, जिससे वेद शब्द बनाया, उससे इसके इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, नोई नॉस्टिक कहते हैं। जब तक ये घटित नहीं होता है, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हम एक भ्रम के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते। अब कोई साहब है, उनको बैठे बैठे भगवान का नाम ही रखते बैठे, कोई साहब है वो कुछ और करते बैठेंगे, उनसे पूछिए कि ये सब करके क्या आप पाप रहित हो गए? क्या आप कोई गलत काम नहीं करते?
हर धर्म में आज जो आदमी है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का आदमी अपने लिए, उसका कोई बंधन नहीं। वो चाहे तो किसी गर्दन काट दे, चाहे तो किसी को डुबो दे, चाहे तो झूठ बोल बोल के लोगों को ठग ले, कुछ भी कर ले, उस पर कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी चीज का। हाँ ठीक है, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, सब जगह गए, वहां तो भगवान को नमस्कार किया और फिर जैसे थे वैसे ही सो गए। ये सब गलत बातें तो नहीं हुई। जिन्होंने धर्म संसार में लाए वो इसलिए लाए कि हमें संतुलन आ जाए और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे, आराम से सहज आसन में जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे। अब ये हाथ मेरी ओर कर, आंख बंद कर ले, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हाथ पे रखें, आंख बंद कर ले, हाथ पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें तीन बार, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? तीन बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? तीन बार सवाल पूछें। दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। यह गुरु तत्व है। यहां पर प्रश्न करें दूसरा, जो बड़ा मूलभूत है, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? तीन बार ये सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? तीन बार सवाल पूछें। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा गया और दबाया गया। इस जगह हाथ रख के कहा जाएगा, कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। छह मर्तबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को, राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहां आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है, तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मर्तबा कहें,
श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, 10 मरतबा कही, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें, ये 10 मरतबा कही, 10 मरतबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व है हमारे अंदर, अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूं, श्री माता जी मैं आत्मा हूं, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूं, 12 मर्तबा कही। पूर्ण विश्वास से कहें, अब ये जानना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है, इसलिए उनके क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें और राइट हैंड से पकड़े और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दे, गर्दन को राइट साइड में मोड़ दे पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं, पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब अभी हाथ को राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाए और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहां पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहे, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब यह ना सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आखिर आप करें चाहे न करें आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब यह हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहें कि परमात्मा
मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहें, इसमें फिर से अपनी गलतियां ना गिनिएगा। अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमाए, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मर्तबा। अब हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4-5 इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी जो आज पहली मर्तबा आए, विशेष करके कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए, अब इस हाथ को महावीर चक्र की तो करें लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये ब्रह्म शक्ति है, श्री माता जी क्या यह प्रभु प्रेम की शक्ति है, क्या यह ऋतंभरा प्रज्ञा है। 3 बार पूछिए। अब आप हाथ नीचे लीजिए, इस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए। आप मेरी ओर देखकर विचार ना करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार ना करें। अब जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो, ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोग तो हो गए पार, देखिए सबके सब लोग पार हो गए। Why don't you turn the light? फिर से हाथ ऊपर करिएगा, देखें कितने लोग हैं, मुझे लाइट में दिखाई देगा। Just turn the light. देखिए अधिकतर लोग पार हो गए।